अरे कोहली भाई, सुना है इन वेस्ट इंडीज वालों ने तुम्हारी आईपीएल में बवाल काट रखा है। ये काली शक्तियां किसी के काबू ही नहीं आ रही। रसल नारायण, साई होप, रोमन पवेल और सिमरन हेटमेयर जैसे अकेले के दम पे मैचों का पासा पलट रहे हैं। और तुम्हारी आरसीबी तो आईपीएल से लगभग बाहर ही हो चुकी है, बस घोषणा होनी बाकी है। अरे रोहित पोडेल मेरे नेपाली यार, तुमने बिल्कुल सही सुना है। इन वेस्ट इंडीज वालों ने हमारी आईपीएल में खासकर सुनील नारायण और आंद्रे रसल ने बिल्कुल गदर मचा रखा है। और रही बात भाई हमारी आरसीबी की, इसका तो वही हाल है जो पिछले 16 साल से होता आ रहा था। अरे हमारी किस्मत का ताला अब की बार भी नहीं खुला। अरे ट्रॉफी जीतने की तो कहां बारी थी, इसने तो आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम का कलंक और लगवा लिया। पोडेल भाई, जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई है कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जिस कोहली ने अपने सर से अभी तक ऑरेंज कैप नहीं उतरने दी, लोग उसी कोहली को आरसीबी के लिए पनौती बता रहे हैं। अब हाल तुम ही देख लो भाई, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली की टीम सबसे पहले आईपीएल से बाहर हो रही है। अरे कोहली भाई, तुम लोगों ने डिविलियर्स गेल से लेके डुप्लेसी मैक्सवेल तक सभी को मौके देके देख लिए। और इस सीजन में तो तुमने उस कैमरन ग्रीन को भी खरीद के देख लिया। अरे तुम्हारे कोच, कप्तान, प्लेयर सब बदलते रहे, लेकिन तुम्हारी किस्मत ना बदल सकी। अरे एक मौका हम नेपालियों को देके देखो, तुम्हें आईपीएल का चैंपियन न बना दे, तुम्हारे सर आईपीएल का ताज न सजा दे तो फिर कहना। अरे भाई पैसे पूसे का भी हमें ज्यादा लालच ना है, हम तो बस किसी बड़े मंच पर अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। अरे जिन वेस्ट इंडीज वालों का तुम्हारे आईपीएल में खौफ छाया हुआ है, वो वेस्ट इंडीज वाले हमारे साथ खेल के थर थर कांप रहे हैं। अरे रोहित पोडेल भाई, कैसी बातें कर रहे हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वेस्ट इंडीज वाले थर थर कांप रहे हैं? ये रोमारियो सैफर्ट जैसे तो यहाँ आईपीएल में बिजी है, तुम्हारे साथ कौन खेलने आ गया? अरे कोहली भाई, इन्होंने अपनी टीम का नाम तो वेस्ट इंडीज ये रखा है, लेकिन खिलाड़ी सारे इंटरनेशनल लेके आए हैं। लेकिन कम हम नेपाल वाले भी नहीं है, हमने तो वो इंटरनेशनल खिलाड़ी ही इनके घुटनों के बल चलाए है। इस रोस्टन चेज की कप्तानी में वेस्ट इंडीज की टीम खेलने आई है, जिसमें एली कथानजे, जॉनसन चार्ल्स, एंड्रे फ्लेचर, केसी कार्टी, कीमो पॉल, मैथ्यू फोर्डे और गुटाकेश मोती जैसे तगड़े खिलाड़ी है। लेकिन हमारी पलटन ने इनके पहले ही मैच में ऐसे टांके तोड़े, ये कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। हालांकि ऐसा नहीं है, इन्होंने अच्छा खेल नहीं दिखाया, इन्होंने अपने कप्तान रोस्टन चेज की 74 रन की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 204 रन बनाए थे। लेकिन नेपाली कप्तान इस रोहित पोडेल के आगे वो 204 भी नहीं टिक पाए थे। अरे भाई कुशल मल्ला, हम खुद की तारीफ क्या करें, आगे का हाल तू ही बता। अरे कोहली भाई, बात ऐसी है, ये तो दोनों कप्तानों की टक्कर थी, जिसमें वेस्ट इंडीज पर हमारा ये नेपाली कप्तान भारी पड़ गया और T20 मैच में ही ताबड़तोड़ शतक जड़ गया। इन वेस्ट इंडीज वालों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमारे कप्तान रोहित पोडेल को छोड़ के हमारे वाले कोई नहीं टिक पाए थे। ये तो एक छोर पे खूंटा गाड़ के खड़ा रहा, बिल्कुल अंगद का पांव बन के अड़ा रहा। इसने 54 गेंद में 112 रन बनाए, जिसमें 10 चौके, 6 छक्के लगाए। हालांकि थोड़ी बहुत कोशिश इस कुशल मल्ला ने भी की थी, लेकिन मैं तो गेयर बदलने से पहले ही रन आउट हो गया। वह दीपेंद्र सिंह आर्य भी कुछ खास नहीं कर पाया, 18 गेंद में 2 चौके, 1 छक्के के साथ 24 रन बना के पवेलियन लौट आया। लेकिन हमारे कप्तान साहब ने तो बिल्कुल ठान रखा था, जब तक नेपाल को जितवा नहीं दूंगा पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, और इसने वही किया। आउट होने से पहले खेल के ताबड़तोड़ पारी, मैच बिल्कुल नेपाल के पाले में ला दिया। फिर आखिरी में गुलशन झा ने 4 गेंद में 2 चौकों के साथ 9 रन बना के नेपाल को जितवा दिया। और कोहली भाई, जिनको तुम काली शक्तियां बता रहे हो, उनका सांस हमने हलक में अटका दिया। अरे कोहली भाई, हमारे कप्तान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक मौका तुम हम नेपालियों को देके देखो, तुम्हारी किस्मत न बदल दे तो फिर कहना। तुम्हारी आरसीबी का वो कभी न जीतने वाला कलंक भी मिटा देंगे, तुम्हें आईपीएल में चैंपियन भी बना देंगे। अरे भाई कुशल मल्ला, तुम नेपालियों के कारनामों के बारे में तो हमने खूब सुना है, कभी तुम एक ओवर में 6 छक्के लगा देते हो, कभी हमारे युवराज सिंह जैसों के न टूटने वाले रिकॉर्डों को भी हवा में उड़ा देते हो। लेकिन भाई अब तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वहाँ तुम्हारी टीम खेलेगी, अगर तुम वहाँ कोई ऐसा धूम धड़ाका कर दोगे तो फिर तुम्हें अगली बार आईपीएल में भी खरीद लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मन छोटा मत करो, लगे रहो, तुम्हारी मेहनत तुम्हें जरूर सफल बनाएगी, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी आईपीएल में भी एंट्री हो जाएगी। अरे रोस्टन चेज भाई, तुम भी कुछ बोलो, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे कोहली भाई, क्या बोले, कैसे मुंह खोले, इन नेपाल वालों ने पहले ही मैच में ऐसी इज्जत उतार दी, कुछ बोलने समझने लायक ही नहीं छोड़े। घर बुला के ऐसे टांके तोड़ दिए, अब तो हमें चुप रहना ही ठीक लगता है।